बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पहुंचा हूं मैं ज़िला राजनपुर कोला नसीर मंडी पर। गुलाबियों का बाब, बाबों का बाब, गुलाबी बकरी की जो ब्रीड है, पुराना ज़माने का बकरा। आज दिखाऊंगा क्या होता था जो राजनपुर की ब्रीड किस से नस्ल कशी है। ये देखें, कम से कम आपको बता रहा हूँ, जो इसके कान हैं ना 2.5 फुट के, तकरीबन 30-32 इंच के इसके कान। तो अभी ये आपके सामने है, ये सब गुलाबी का बाब है, जिला राजनपुर की ये पहचान है। अभी भी देखें कैसे पटे खा रहे हैं। अरे क्या मंगना भैया? एकदा डंडे किए हैं पूरा। नंबर दस अपना 0373-883-93। ठीक है, फिर रब्ता करें भाई, कुछ ज़रूरत हो गए खिदमत, यानी थोड़ी सी खिदमत करनी पड़ेगी इसकी। तो बकरा बहुत अच्छा बना गया, बनेगा और टेढ़ा बनेगा। तो इसकी ब्रीड दिखाता हूँ आपको। ये है इसकी ब्रीड आपके आंखों के सामने, ये नस्ल कशी होती है। वो बाप देखा था, ये बेटे देखे, ठीक है ना। ये होती है नस्ल कशी पर। और ये सब देखें ब्रीड, ये मिक्स जानवर देते हैं, सिंगों में भी देते हैं और गुलाबी में भी देते हैं, मोनों में भी देते हैं। बाप दिखाया और बेटे देखे, ये देखें। क्या मांगना वैसे? 1,10,000। बाबू का बाप दिखाया और माँ की माँ भी दिखाऊंगा वीडियो के साथ। ये है सब गुलाबी की माँ, ये होती है ब्रीड, ये होती है नस्ल कशी। अच्छी चीज़ लें और अच्छी ब्रीड। ये देखें, ये राजनपुर की मशहूर त्रिमंडी कोला नसीर में। ये देखें, जिधर भी नज़र घुमाएंगे गुलाबी जानवर नज़र आएगा आपको। ये देखें ढेरों की शक्ल में, हज़ारों में नहीं लाखों की तादाद में। ये देखें खस्सी भी ऐसे मिलेंगे आपको माशाल्लाह। ये देखें, आप जिधर भी नज़र घुमाएंगे ना, आपको गुलाबी ब्रीड सबसे ज़्यादा नज़र आएगी। तो मशहूर त्रिन मंडी है ये ज़िले राजनपुर की। तो ये मंगल वाले दिन लगती है सुबह नमाज के टाइम, और ख़त्म होती है ये असर के टाइम। जितना भी कस्टमर हैं और जितना भी सूबे हैं, 4 सूबे हैं तो सबसे व्यापारी लोग आते हैं और इधर से जानवर ले जाते हैं और आगे सेल करते हैं। तो काफ़ी मेरे अजीज दोस्तों की फरमाइश थी, खुर्शीद भाई आप मंडी लाजमी बताएं कौन से दिन लगती है और किस टाइम लगती है और किस टाइम ख़त्म होती है। तो मेरे प्यारे भाई, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। ये ज़िले राजनपुर की मंडी कोला नसीर शहर और मशहूर तरीन शख्सियत, तो जो पीरों का पीर और ज़ईफ़ों का ज़ईफ सरदार, दुनिया पर जिसने अपनी पहचान बनाई, दुनिया पर मेहनत की, और इस टाइम उसकी दरगाह और जिसको हम लोग सरायकी में दरबार कहते हैं, मशहूर तरीन में कोट मिठन शहर देवेज ख्वाजा गुलाम फरीद साहब पूरी दुनिया में मशहूर तरीन शख्सियत और जो ज़ईफ़ गुजरे हैं, तो उनकी नगरी में ये मंडी लगती है। ख्वाजा गुलाम फरीद बहुत बड़ी शख्सियत और बड़ा जो ज़ईफ़ और अल्लाह की मेहनत करने वाला इस दुनिया से गुज़रा है। अभी उसकी दरबार है कोट मिठन शहर के